गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है एयर इट्स यूजेस एंड पोल्यूशन फ्रॉम क्लास फिफ्थ EVS। ये टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ है। इसमें हमने पढ़ा कि एयर ऑक्यूपाई स्पेस, एयर एग्जर्ट्स प्रेशर, एयर हैज वेट, ये चीज़ें हमने इसकी पढ़ी। आज हमें पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर, एयर में क्या क्या प्रेजेंट होता है। पहले नाइट्रोजन, इट इज़ द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर, इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट। कहते हैं कि जो नाइट्रोजन होता है ये एयर में प्रेजेंट होता है, तो ये किस लिए चाहिए होता है? प्लांट्स के डेवलपमेंट के लिए। कहते हैं कि नाउ ए डेज फर्टिलाइजर्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम नाइट्रोजन ऑफ एयर। कहते हैं आजकल नाइट्रोजन से क्या बनते हैं? फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स मीन जो हम खाद वाद डालते हैं खेतों में, तो वो क्या काम करते हैं फर्टिलाइजर? जो क्रॉप यील्ड है, क्रॉप यील्ड में जो भी फसल है उसे बढ़ाते हैं। उसके बाद है ऑक्सीजन, इट इज़ द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर। ऑल लिविंग थिंग्स डिपेंड्स ऑन ऑक्सीजन फॉर रेस्पायरेशन। नो लाइफ कैन बी एग्जिस्ट ऑन अर्थ विदाउट ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन। इट इज़ ऑल्सो एसेंशियल फॉर बर्निंग। कहते हैं कि दूसरा कौन सी चीज़ प्रेजेंट होती है एयर में? वो हो गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आपको पता है जो हम सांस लेते हैं, कहते हैं वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। किस लिए? ब्रीथिंग के लिए। कहते हैं कि लाइफ ऑन अर्थ, कहते हैं जो भी लाइफ है, जो भी अर्थ पे जो भी इंसान जिंदा हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो किसकी वजह से है? ऑक्सीजन की वजह से। इट्स आल्सो एसेंशियल फॉर बर्निंग। कहते हैं जो भी आग हम लगाते हैं उसके लिए हवा में ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है। उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज़ प्रेजेंट इन एयर इन वेरी स्मॉल अमाउंट। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड बाय यूजिंग दिस गैस। कहते हैं कि बहुत कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है बहुत कम मात्रा में हवा में पाया जाता है, क्योंकि हम कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेते, हम ऑक्सीजन लेते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो कहते हैं हवा में बहुत कम पाया जाता है, जो प्लांट्स है वो लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। किस लिए? जो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस आपने पढ़ा था उसको करने के लिए, अपना फूड बनाने के लिए। वाटर वेपर चौथा क्या प्रेजेंट होता है एयर में? वाटर वेपर। वाटर वेपर इन एयर इज़ द कॉज ऑफ ड्यू क्लाउड्स, रेन, स्नो एंड हॉल। कहते हैं वाटर वेपर कैसे प्रेजेंट होता है? जैसे भी कहते हैं कि मौसम ठंडा हो उसकी वजह से होता है, बारिश की वजह से होता है, स्नोफॉल की वजह से होता है, या धुंध की वजह से हवा में वाटर वेपर प्रेजेंट होता है। उसके बाद है रियर गैसेस। रियर गैसेस मीन्स जो बहुत कम होती हैं, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन एंड ज़ेरॉन आर नोन एज रियर गैसेस। दे आर वेरी इनएक्टिव। हीलियम इज़ यूज फॉर फिलिंग बैलून्स। कहते हैं कि हीलियम किस लिए ज़रूरत पड़ता है? जो हम बैलून फुलाते हैं, गैस वाली बैलून जो होती है, जो हम बर्थडेज पे या बाकी पार्टीज़ में ऐसे भी लेते हैं, तो उसमें कौन सी गैस होती है? हीलियम गैस। ऑर्गन एंड क्रिप्टन आर यूजिंग फॉर फिलिंग इलेक्ट्रिक बल्ब्स। कहते हैं जो ऑर्गन और क्रिप्टन होते हैं वो इलेक्ट्रिक बल्ब्स में यूज़ होते हैं। नियॉन इज़ यूज्ड इनसाइड द ब्राइटली कलर्ड एडवर्टाइजिंग लाइट, नियॉन साइन। कहते जो एडवर्टाइजिंग लाइट होती है, कभी भी आपने कहीं बैनर देखा होगा या कुछ होगा, वहाँ पे जो लाइटें जल रही होती है उसके अंदर, उसमें कौन सी गैस होती है? नियॉन। तो आज हमने पढ़ा कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर, कल हम पढ़ेंगे एयर पोल्यूशन। थैंक यू।